वेलकम बैक। हम अलग अलग सेक्टर्स को क्या कुछ मिला है और वो सेक्टर्स की किस प्रकार से उनकी रणनीति रहने वाली है आगे चलकर, उसका हम जायजा ले रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की और मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निरंजन हीरानंदानी, जो कि एमडी हीरानंदानी ग्रुप के। गुड इवनिंग मिस्टर हीरानंदानी, स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां तक आपके क्षेत्र की बात है, रियल एस्टेट, इस पर बेहद दबाव रहा है, काफी कंसर्न्स रहे हैं और इस क्षेत्र को लेकर रेगुलेटर हो या सरकार बीच बीच में कंसर्न्स रेज करता है, लेकिन आज जिस प्रकार से बजट में जो इंटरेस्ट सबवेंशन होम लोन्स को लेकर इंडिविजुअल्स को जिस प्रकार से हमने देखा 20 लाख तक के होम लोन पर थी, उसको बढ़ाकर 25 किया गया 15 लाख तक के होम लोन पर, इसको आप किस तरह देखते हैं जो एक प्रयास किया गया है सरकार की ओर से? मेरे अंदाज से ये जो राहत जो मिली है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। रियल जो बेनिफिट करना था वो ओवरऑल ये सेक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ राहत देनी थी, लेकिन उसकी कोई स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। अगले साल में हमारे पास यहां एडिशनल टैक्सेस आ गए, वैट आ गया, सर्विस टैक्सेस वगैरह वगैरह सब टैक्सेस आ गए, और उसका बोझा ये हो गया कि आज के तारीख में लगभग 30% जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उसका भाग टैक्स में ही रहता है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे बन जाएगा? तो वहां तो कोई राहत मिली नहीं। आप ये बताइए स्पेसिफिकली, जिस तरह से हीरानंदानी साहब मार्जिन प्रेशर्स में है, कॉस्ट ऑफ फंड्स, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, या जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं उससे होम लोन की जिस तरह से डिमांड ओवरऑल हम देखें उसमें भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस बीच जो आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, आखिर पुश देने के लिए गवर्नमेंट किस तरह से आगे बढ़ सकती थी? अब क्योंकि हमने देखा 80C के अंदर भी चाहे बेनिफिट उसको भी नहीं बढ़ाया गया, 24B जो इंटरेस्ट की बात थी होम लोन की उसमें भी नहीं इजाफा हुआ, किस प्रकार से आखिर गवर्नमेंट इसको लेकर और आगे बढ़ सकती थी, आप कैसे इसको देखेंगे? हमारे जो आइडिया थी कि वो जो लो कॉस्ट हाउसिंग है या अफोर्डेबल हाउसिंग या छोटे घर जो थे उसमें जो ATIB की जो राहत पहली मिलती थी, मैं समझता था कि वो वापस लेके आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को 23 मिलियन हाउसेज की डेफिसिट को कवर करना है। आज के तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंसेंटिव है, पावर में जो इंसेंटिव है, वो हाउसिंग में नहीं है, तो लोग कहां इन्वेस्ट करेंगे? हमें चाहिए काफी ज्यादा पैसे, और आज है बहुत ही कम चॉइस लोग को, पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, हाउसिंग में नहीं करेंगे, तो मेरे अंदाज से कोई गलत सिग्नल जा रहा है। अच्छा, आगे देखकर आप क्या देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं बजट एक अपने आप में एक इवेंट तो है, लेकिन बजट के आगे और बजट के पीछे भी काफी कुछ किया जाता है, आप किस तरह से देखते हैं गवर्नमेंट इस सेक्टर को लेकर जो अपने बीच में कंसर्न्स शो करती है या रेगुलेटर ने जो चिंताएं दिखाई हैं? आप ये भी इनफैक्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में भी रिलैक्सेशन की बात हो रही थी या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो एक लंबे समय से पेंडिंग डिमांड है, क्या लगता है आगे की राह आपको? क्या काफी मुश्किल एक दौर से गुजर रहे हैं और ये जो अभी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है क्या बरकरार रहेगी, कैसे देखते हैं आप? मैं उम्मीद रखता हूं कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि वो स्कीम देंगे, वहां कुछ ज्यादा राहत दें, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि उस क्षेत्र में हम ज्यादा काम कर सके। सेकेंड, जो SEZ में परिवर्तन लाया है वो बहुत ही भयानक और गलत सिग्नल दे रहा है, क्योंकि जो लोग SEZ की जो पॉलिसी सरकार ने डिक्लेयर की थी उसके हिसाब से जीरो टैक्सेस के हिसाब से चलने वाले थे, अभी वो मैट इंट्रोड्यूस कर दिए, लोग 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में किया है, आज के तारीख में आप टैक्सेबल करती है, तो लोगों को यह गलत सिग्नल हो रहा है कि कभी भी सरकार की पॉलिसी के ऊपर हम भरोसा मत करें, क्योंकि कल बदल सकते हैं। एब्सोल्युटली, जिस तरह से आपने बताया ये SEZ को भी जिस तरह से मैट के दायरे में लाया गया है, हमने देखा था पिछले बजट में भी जिस तरह से जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज थी वो सर्विस टैक्स के दायरे में आई थी। अब एक ग्राहक को एक चलते चलते आप ये भी थोड़ा सा संदेश दे सकें हीरानंदानी साहब, वो इनफैक्ट क्या एक्सपेक्ट करे, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं जो प्रेशर्स जिस प्रकार से हैं उसके बीच बजट में उम्मीद थी कुछ राहत मिले लेकिन उस प्रकार से तो नहीं मिली है, वो क्या एक्सपेक्ट करे यहां से आगे चलते हुए, क्योंकि अभी वो इससे दूरी बनाए हुए है? मेरे अंदाज से वो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डिक्लेरेशन करने वाले हैं उसके लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग की कुछ राहत देंगे, और वो नहीं दें तो जितना जल्दी वो घर खरीदें वो बेहतरीन होगा, क्योंकि बाद में इन्फ्लेशन के कारण और टैक्सेस जो इंक्रीज हो गए हैं उसके कारण घर के दाम और बढ़ जाएंगे। जी चलिए, इस वक्त